Hey everyone, welcome to our channel Knock Knock AR Education. So, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के PYQs, जो आपके 2015 के IIT JEE के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2000 MA का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका IIT JEE MA का एग्जाम है उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो चलिए तो शुरुआत करते हैं. हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका पूछा गया है आपका IIT JEE एग्जाम में, सो थोड़ा सा जरा इसको बड़ा करते हैं. सो ये आपके पास क्वेश्चन है. सपोज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल जेड एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई डिफाइंड बाई द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू आर इज इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस एंड अपने पास ये कंडीशन गिवेन है. तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इन शॉर्ट हमें यहाँ पे जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर अपने पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जेड एंड डब्ल्यू, जो कि फंक्शंस है किसके अपने पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई. सो वी कैन राइट एज जेड इज अ फंक्शन ऑफ फाई वन ऑफ, इसको अपन लो लेते हैं, फाई वन ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड डब्ल्यू इज फाई टू ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर होगी कि यहाँ पे जेड और डब्ल्यू जो है वो फंक्शन है एक्स कॉमा वाई के. अपने पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और गिवेन है. पहली इंफॉर्मेशन गिवेन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवेन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो और थर्ड इन्फॉर्मेशन गिवेन है एफ जेड जी डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू जी जेड इज इक्वल टू वन. तो देखो यार, हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है जेड एक्स. जैसे आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है जेड एक्स की. तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसके दो मेथड्स देखेंगे, ठीक है. तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड नंबर फर्स्ट, जो कि एकदम इजी मेथड है, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो क्वेश्चन में गिवन है मैं बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. सो हियर डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डेल जी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू वन. अपने पास ये गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है जेड एक्स की. तो भैया हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा दी डेल जेड बाई डेल एक्स से. तो डेल जेड बाई डेल एक्स का जब हमने मल्टीप्लाई कराया इससे, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू सॉरी डेल जी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, राइट. तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा हमने चीज़ों को सही तरीके से लिखा, तो अपने पास इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स और अपने पास क्या गिवन है यहाँ पे डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डेल जी अपॉन डेल जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स. सो बेसिकली ये अपने पास क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डेल जी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स. सो इन शॉर्ट एफ एक्स जी डब्ल्यू माइनस दिस इज एफ डब्ल्यू जी एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स. तो यहाँ पे आप देख लीजिए एफ एक्स जी डब्ल्यू एफ एक्स जी डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू जी एक्स. तो आपका जो ऑप्शन ए है
वो अपने पास यहाँ पर हो गया सही। ठीक है, ये एक शॉर्ट मेथड है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, बट अगर जिसको ये मेथड सही नहीं लगता है या फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या कर दिया सर ने यहाँ पर, तो उनके लिए भी यहाँ पे चेन रूल है, तो वो चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चेन रूल का सिंपल सा फंडा ये है कि अपने पास मैं यहाँ पे मेथड नंबर 2 लिख दे रहा हूँ, जो कि मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट आपको बता दूंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा कैसे आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो मेथड नंबर 2 आपके पास है कि आपके पास गिवन है कि जो फंक्शन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, जहां पर एक्स इंडिपेंडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, वाई भी इंडिपेंडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, जेड जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है आपका किस किस पर बताइए। यहाँ पर जेड वेरिएबल है, इसको ऐसे लिख लो जेड एंड डब्ल्यू वेरिएबल, बट जेड जो फंक्शन है वो आपका डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई की तरफ, एंड डब्ल्यू जो फंक्शन है वो आपको डिपेंड कर रहा है एक्स एंड वाई की तरफ। तो ये एक ट्री बन चुका है आपके सामने। ठीक है, अब इस ट्री की हेल्प से हम लोग यहाँ पे चेन रूल आराम से लगा सकते हैं। जैसे मान लो पहले आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, आपको पहले एफ एक्स फाइंड करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो वाई वाला रोल है वो तो अपने आप ऑब्वियस ही बात खत्म, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर। तो करना क्या है अपने पास, जब हम लोग उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो अपने पास ये ट्री मिल रही है पहले उसको देखो। जैसे अपने पास ये मिल गया कंप्लीट पूरा, जो पहले रखना है उसको रखिए, बाकी सबको काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना ये वाई वाला सीन कट गया, यहाँ पे जो बचा अपने पास वो सिर्फ बचा अपना एक्स वाला। ठीक है, सो हेयर डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, जैसे ही हम लोग अगली ब्रांच की तरफ जाएंगे तो प्लस लगा दीजिए आप। ठीक है, वाई में कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं अपने को। जेड में गए तो पहले आपको जेड के रिस्पेक्ट में करना है डेल एफ अपॉन डेल जेड, एंड देन फिर जेड के अंदर ही अपने पास एक सब ब्रांच है एक्स की, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देन जब लोग आगे बढ़ेंगे फिर दोबारा से वही चीज, इसका काम खत्म हो गया पूरा, ये वाला ब्रांच खत्म एक्स के रिस्पेक्ट में, हम लोग आगे बढ़े डब्ल्यू की तरफ, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन, सॉरी नॉट डब्ल्यू, इनिशियली डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू मल्टीप्लाई विथ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से ये फंक्शन निकाल सकते हो, सेम तरीके से आप यहाँ पे एफ वाई भी निकाल सकते हो, जी एक्स भी निकाल सकते हो, जी वाई भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आप इसमें सिंपली बस खाली आपको पुट करना है जो आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन पे जैसे ही आप करेक्ट सारी जब वैल्यू रखोगे तो आप इजिली यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। एफ जेड की निकाल दोगे यहाँ से वैल्यू, जी डब्ल्यू वैल्यू निकालो, तो ऐसे आप डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है जो आई थिंक मैं प्रेफर नहीं करूंगा आप एग्जाम में बैठ के इस मेथड को करने जाओ। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ से आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो इसका जो शॉर्ट मेथड है वो अपने पास मेथड नंबर फर्स्ट है। बाकी अगर किसी को डाउट है सेकेंड नंबर मेथड पे तो हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो टेलीग्राम जो अपना है वो है नॉक नॉक ए आर एजुकेशन। जैसे ही आप ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी है। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में अपने पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवेन है। तो अपने पास यहाँ पर गिवेन है कि एफ इज डिफाइंड फ्रॉम दिस डोमेन, डोमेन अपने पास समझते हैं पहले, डोमेन में अपने पास एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 ये वाला डोमेन लिया जा रहा है। मतलब अगर हम लोग थोड़ा इसको विजुलाइज करें 2D पर, तो अपने पास ये वाला डोमेन यहाँ पर लिया जा रहा है, ये एक्सिस इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, जो आपके पास ये एक्सिस है ये वाली और ये वाली, ठीक है, मतलब वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाली दो एक्सिस नहीं आ रही है, बाकी इसके बीच में जो भी है सब कुछ सारे पॉइंट्स अपने पास आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया अपने पास क्या, इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन अपने पास ये डिफाइन कर रखा है यहां पर। अब हम लोग फोकस करते हैं कि यार इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस जो ये जो जी ऑफ एक्स वाई है ये चेंज कब होगा, जब एक्स चेंज होगा या वाई के साथ या कभी नहीं, जो भी है देखते हैं। बेसिकली इस जी ऑफ एक्स वाई पर क्वेश्चन पूछा गया कि ये जी ऑफ एक्स वाई कब चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको लिखने से पहले यहाँ पे पहले आप जी ऑफ एक्स कॉमा वाई की तरफ जाइए और ये दे रखा है एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो यार जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिखे ना, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले समझो पहले चीजें क्या दे रखी हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्ट्राइक करिए। क्या आपको आइलर्स फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है ना? अगर कोई फंक्शन अपने पास आइलर फंक्शन है तो वो कुछ इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, वाई एफ वाई इज इक्वल टू एन एफ। बस कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर मुझे इस एन की वैल्यू पता चल जाए, है ना? तो बस हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है अपने पास ये एक होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। और होमोजेनियस फंक्शन के लिए चेक करने के लिए आप सिंपल सी बात है, आप एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स और वाई को रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से। अगर आप इस फंक्शन को कुछ इस टर्म में लिख पा रहे हो, लैम्डा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो समझ जाना कि ये जो आपके पास जो फंक्शन लिखा है ना वो एक होमोजेनियस फंक्शन लिखा हुआ है। तो बस आपको बस खाली ये यूज करना है यहाँ पर। लेट्स सी कि अपने पास कैसे क्या अपने पास आ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर माइनस का 4/3, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके ठीक है, तो ये अपने पास गिवन है। हमने ये किया यहां पर एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स को हमने रिप्लेस किया लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई से, तो अपने पास ये जो है लैम्डा एक्स की पावर 1/3, लैम्डा वाई की पावर माइनस का 4/3, टेन इनवर्स ये आपके पास एज इट इज वही बचा रहेगा वाई बाय एक्स प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1/√ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तुमने यहाँ से लैम्डा बाहर कॉमन ले लिया तो ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ओके। और हाँ अगेन लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई भी अपने पास ये भी दोनों क्या होंगे अपने पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अपने लोग जो डोमेन कंसिडर कर रहे हैं वो डोमेन अपने पास कैसा है, एक पॉजिटिव डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई भी पॉजिटिव, इट मीन्स लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए बस। तो लैम्डा यहाँ पे नॉन जीरो डेफिनेटली, तो बताने की जरूरत नहीं है उसका। सो लैम्डा एक्स इज पॉजिटिव, तो इस केस में लैम्डा अपने पास यहाँ पे नॉन जीरो ही होगा। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं आई थी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैम्डा की पावर 1/3, लैम्डा की पावर माइनस 4/3, 1/3 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू -3/3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आ गया कितना, -1, 1 -4 -3, -3/3 इज 1, -1, और ये आपका एज इट इज आ गया एक्स की पावर 1/3 एंड वाई की पावर माइनस का 4/3, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। बस अभी हम लोग चेक करते हैं कि मतलब दिस जो आपके पास जो फंक्शन गिवेन है वो एक होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है बस। और इसको मिल गया लैम्डा की पावर -1, 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने भाई लैम्डा इनवर्स हमने कॉमन ले लिया, और ये जो आपके पास अंदर आएगा वो आपका एज इट इज आ जाएगा किसके इक्वल, जो आपके पास फंक्शन गिवन दे रखा है राइट, 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली दिस वन इज लैम्डा इनवर्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू दिस। सो हेयर एन इज इक्वल टू -1, तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो भाई। जब एन की वैल्यू आ गई है फिर तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस
वाई एफ वाई इज इक्वल टू एन एफ, तो अपने पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई एन की वैल्यू -1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है यहां पर, ओके तो आपके पास जो फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स वाई वो दे रखा है कुछ ये, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इट मीन्स जो आपके पास जो गिवन फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई वो क्या है, -1, मतलब वो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ना तो वो एक्स के साथ चेंज होगा ना ही वो वाई के साथ चेंज होगा, समझ में आ गया। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वेदर डी अपने पास सही है, नाइदर चेंजेस विद एक्स नॉर विद वाई, एग्जैक्टली। सो ऑप्शन डी अपने पास यहाँ पे इस केस में करेक्ट है, ठीक है। तो होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बट अगर आपको कोई सी भी क्वेश्चन में कहीं पे सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिख के कि सर यहाँ पे इस जगह पर हाँ समझ में नहीं आया, देन डेफिनेटली हम आपके कमेंट्स को देखते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी आपको वहां पर ही कर दिया जाएगा। ओके चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके सो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डिस्कस करते हैं इसको, कैसे करना है इस क्वेश्चन पर, कैसे हमें अप्रोच लेके आनी है इस क्वेश्चन के ऊपर वो देखते हैं पहले। देखिए आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन कर रखा है आर स्क्वायर से आर पे, ये क्वेश्चन पहले आपको बता दूँ सेक्शन बी में पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू दिस एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स वाई इज जीरो, राइट। ये आपके पास गिवन है और बताना है कि आपको जीरो जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या इसके एफ एक्स एफ वाई पे कमेंट करना है या फंक्शन ये डिफरेंशियबल है या नहीं है वो बताना है। तो हम लोग सबसे शुरुआत करते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जैसे कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहाँ पर आपको दिखे कि पोलर फॉर्म से हम लोग कर सकते हैं चीज़ें इजली, तो पोलर फॉर्म से करने की कोशिश करा, क्योंकि पोलर फॉर्म से आपको एक चीज़ क्लियर रहती है कि अगर फंक्शन आपका आर थीटा में एक बार आ जाए, अगर आप किसी भी थीटा के लिए अगर आपका जो फंक्शन है वो टेंड कर रहा है जीरो पे एज आर टेंड्स टू जीरो, तो आप तुरंत वहां पे बोल सकते हो कि जो फंक्शन है आपके पास वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा जीरो जीरो के रिस्पेक्ट में, मतलब जिस भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ आप ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, ठीक है, इसको आप यूज़ करोगे तो आपके पास जो बेसिकली एफ ऑफ आर कॉमा थीटा जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा दिस इज आर स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आर स्क्वायर से कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये आपके पास लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा, तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे आर टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ आर कॉमा थीटा पर, देखिए ये जो फंक्शन है वो आपके पास कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है फॉर एनी थीटा, ठीक है, फॉर एनी थीटा। तो इसका मतलब क्या, जो आपके पास ये और जीरो जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, जीरो। तो अपने पास बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई इज जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ 0,0। अगर किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करते हैं और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया अपना, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो बेसिकली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0,0। अब जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, तो इस केस में ऑप्शन ए अपने पास गलत हो गया यहाँ पे कि फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस आ गया। तो यहाँ पे लिख लो कि एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0,0। अब मैं बात करनी है एफ एक्स एंड एफ वाई के ऊपर, तो
तो एफ एक्स और एफ वाई के लिए हमेशा अगर थोड़ा फंक्शन डिफिकल्ट दिया गया हो तो डेफिनेशन का यूज़ किया करो. सो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, दिस इज़ एफ एच कॉमा ज़ीरो, क्योंकि हमें 0,0 पे निकालना है. सो दिस पार्ट इज 0,H,0 माइनस एफ ऑफ 0,0/H. ठीक है, ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स एट 0,0. और एफ वाई निकालना है, क्योंकि हमें आई थिंक एफ एक्स एंड एफ वाई चेक करना है कि 0,0 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी. तो बेसिकली इसका अगर आपको इन जनरल पता करना है, तो एफ एक्स निकालना हो किसी भी पॉइंट ए बी पर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एच, दिस इज एफ एक्स. एंड एफ वाई निकालना हो ए कॉमा बी पर, तो ये हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन के. राइट, तो यहाँ पर इस केस में क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ 0,k माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के. अगर हम लोग देखें एफ एक्स की वैल्यू 0,0 पे क्या आ रही है, तो अपने पास एफ एच कॉमा ज़ीरो, जैसे ही आपने यहाँ पर, क्योंकि अपने पास एक्स वाई नॉन ज़ीरो मतलब एच कॉमा ज़ीरो, एच टेंड कर रहा है 0 तक, बट वो एग्जैक्टली 0 नहीं है. सो एच कॉमा ज़ीरो जो है वो अपने पास फर्स्ट केस में आ जाएगा यहाँ पर. तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो फंक्शनल वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0. सो एफ एच कॉमा ज़ीरो इज़ 0, एफ 0,0 इज़ 0 अपॉन एच. सो बेसिकली अपने पास जो एफ एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 0. सिमिलरली आप यहाँ पर एफ वाई निकाल सकते हो, एफ वाई एट 0,0 इज ऑल्सो 0-0 अपॉन के विच इज़ 0. तो यहाँ पर इस केस में जो आपका एफ एक्स एंड एफ वाई है वो दोनों ही आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं 0,0 पे. तो यहाँ पे लिख लीजिए एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर एग्जिस्ट एट 0,0. राइट, तो अपने पास इस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो गया एंड बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट, तो अपने पास ऑप्शन बी ठीक हो गया. अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं. ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी पे चेक करने में बड़ी दिक्कत आती है कभी बच्चों को. चलिए देखते हैं इसको कैसे सब कैसे करना है इस वाले पार्ट को. तो अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है किसी भी पॉइंट पे, हम लोग बात कर रहे हैं इन जनरल पॉइंट ए कॉमा बी पर, तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कॉमा बी इफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी कैन बी रिटन एज ए एच प्लस बी के प्लस फाई, या फिर ये बोल दो इसको एच फाई, वेयर एच फाई प्लस के साई, जहाँ पे फाई और साई जो है वो फंक्शन है एच एंड के, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो कंडीशन है अपने पास वो ट्रू होनी चाहिए. और यहाँ पे अपने पास एक कंडीशन होगी मैंने, जहाँ पर फाई और साई जो है, फाई और साई टेंडिंग टू ज़ीरो एस एच के टेंड्स टू 0,0. राइट, तो ये अपने पास अगर कंडीशन एच के टेंडिंग टू 0,0 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम लोग बोल देंगे जो फंक्शन है अपने पास वो डिफरेंशियबल हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ए बी पर. ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली फाइंड करना है किस पॉइंट पे, 0,0 पे. तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं. सो दिस इज 0+H, तो ये आपके पास हो जाएगा एच कॉमा के माइनस दिस इज एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल टू ए. यहाँ पे क्या है, बी, ए अपने पास है एफ एक्स एंड बी अपने पास क्या है एफ वाई एट पॉइंट 0,0. सो ए भी अपने पास 0 आया है, बी भी अपने पास 0 आया है, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, 0+0, 0 मल्टीप्लाई एस 0, 0 मल्टीप्लाई के 0 प्लस एच फाई प्लस के साई. सो अपने पास एफ ऑफ 0,0 डिफाइन कर रखा है 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो एफ ऑफ एच कॉमा के इज इक्वल टू अपने पास ये आ गया एच फाई प्लस के साई. ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर आ चुका है. अब बस हमको ये चेक करना है कि यार एच के टेंडिंग टू 0,0 पे ये दोनों साइड अपने पास इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं. तो
देखते हैं अपने पास ये वैल्यू क्या होगी, एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और दिस विल बी एच फाई प्लस के एस आई। ठीक है, अब देखो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे काम करने के, या तो आप पहले यहाँ पे एच के कोफिशियंट निकालो, इस टाइप में आप पहले ब्रेक कर लो यहाँ पे फाई और साई कोफिशियंट, जो फाई और साई जो भी आएगा वो फंक्शन बाहर निकाल के, और चेक कर लो कि वेदर एच के टेंडिंग टू जीरो जीरो पे ये फाई और साई जीरो जीरो पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पहला तरीका ये है। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए और देखिए कि अपने पास ये बोथ साइड सेम लिमिट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये वही आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जो लास्ट में हमने किया वही सेम आएगा अपने पास एग्जैक्टली। तो ये आ गया आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा और दिस इज कॉस टू थीटा, और यहाँ पर बचा अपने पास, और क्योंकि अपने पास एच फाई प्लस के एस आई जो भी, इसको ऐसे कर लेते हैं अपन लोग, आर मान लेते हैं बढ़िया रहेगा। ठीक है, एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा फाई प्लस आर साइन थीटा साई। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम लोग आर टेंड कराएंगे जीरो पर तो अपने पास ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन जीरो पे जाएगा और ये भी वैल्यू जीरो पे जाएगी, क्योंकि फाई और साई भी तो जीरो पे जाएगा, क्योंकि भाई मैंने क्या बोला फाई साई जीरो पे कब जाएंगे, जब ये एच के टेंडिंग जीरो करेगा। एच के मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली आ रही तो हो रहा है अपने पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फंक्शन अपने पास इक्वल लिखे हुए, मतलब दोनों ही अपने पास लिमिट जीरो पे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हो दिस गोज़ टू जीरो एज वेल एज दिस गोज़ टू जीरो, सो एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। देखो एक तरीका अपने पास ये रहा जो बताया मैंने कि आप ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हो, नहीं तो आप इस इक्वेशन ए में एक काम करना, ये मैं कर नहीं रहा हूं यहां पर, आप एक काम करना कि आप इस एक्सप्रेशन को इन टर्म में तोड़ लेना, आप एच फाई प्लस के एस आई, फिर जो भी एच का कोफिशियंट होगा उसको कंपेयर करना, वहां से आप फाई फंक्शन निकाल लेना, जो भी के का फंक्शन होगा वहां से आप साई फंक्शन निकाल लेना, और फाई और साई को फिर आप चेक करिए कि फाई साई जब जब एच के टेंड कर रहे हैं जीरो पे, क्या फाई और साई अपने पास जीरो पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर जीरो पे जाएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और नहीं जाएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है, आप नॉर्मली आप इस वाले मेथड से किसी भी पॉइंट पे जनरल चेक कर सकते हो। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सी फील्ड। तो अपने पास इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड ये फंक्शंस अपने पास डिफरेंशिएबल भी है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर खत्म। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सेक्शन से। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन में करना है क्या है, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड किया गया आपका आर स्क्वायर से आर तक, जो कि फंक्शन बोला गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हेन वाई इज नॉन जीरो देन दिस इज वन प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर देन वाई इज जीरो द फंक्शन वैल्यू इज जीरो। तो यहाँ पे बोला गया इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो जीरो एग्जिस्ट, अगर ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो इस केस में कॉट अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो इसने बोल दिया कि यहाँ पर डायरेक्शन डेरिवेटिव अपना एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको देखना है। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव अपने पर डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन द डायरेक्शन ऑफ यू, लेट्स से वेक्टर यू, इन वेक्टर यू, तो आप बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो लिमिट एच कॉमा जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच यू वन कॉमा बी प्लस एच यू टू माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एच। ठीक है, जहां पर यू वन एंड यू टू अपने पास क्या है, डायरेक्शंस हैं यू वन आई प्लस यू टू जे, राइट। तो वेक्टर यू अपने पास एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो इसका आपको ध्यान
ध्यान रखना ये चीज कि जो ये अपने पास जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर्मूला है, बस सिंपली इसको अप्लाई करना है। अब चेक करिए जो आपके पास डायरेक्शन दे रखी है वेक्टर यू, क्या वो यूनिट वेक्टर है। अगर आप इसका मॉडुलस लोगे तो आपके पास बना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो वेक्टर यू निकाला आपने तो आपके पास क्या आ गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। यस दिस इज यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली आपके पास जो वेक्टर यू जो गिवन है आपके पास वो इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। तो आपके पास ये हो गया आपका यू वन और ये आप हो गया आपका यू टू, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन अप्लाई करनी है। सो बेसिकली आपके पास क्या हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हमें फाइंड करना है। जीरो जीरो पे तो ए की वैल्यू जीरो एंड बी की वैल्यू जीरो, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एच यू वन एच यू टू माइनस दिस इज 0,0 अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए आपके पास ये दोनों ही वैल्यू नॉन जीरो होंगी क्योंकि यू वन आपके पास कॉस अल्फा है एंड यू टू आपके पास साइन अल्फा है एंड एच टेंड कर रहा है जीरो पे, ना कि एग्जैक्टली जीरो है। तो आप यहाँ पे यूज करोगे ये वाला फंक्शन, तो इस केस में आपका हो जाएगा 1 प्लस एच यू वन। यू वन आपके पास क्या है, कॉस अल्फा, तो एच कॉस अल्फा अपॉन एच साइन अल्फा, तो एच से एच कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या यहाँ पर, कॉट अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। ये आपके पास आ गया माइनस एफ ऑफ 0,0 इज 0, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू यहाँ पर। अब देखिए इसने क्या बोला है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब इसकी लिमिट अपने पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अरे भाई अगर इसकी लिमिट अपने पास एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये न्यूमरेटर वाला पार्ट जो होगा वो जीरो पर चला जाए। अगर ये नॉन जीरो रहा तो भैया इस केस में इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हो जाएगी, वन अपॉन एच समथिंग जो भी है कॉन्स्टेंट अपॉन एच डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए भाई मुझे यहाँ पे कॉट अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ पे -1 लेनी ही पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, यस और नो। अगर हम कॉट अल्फा की वैल्यू -1 ले कुछ और ले लेते हैं तो उस केस में समथिंग नॉन जीरो अपॉन एच विच टेंड्स टू डज नॉट एग्जिस्ट डेफिनेटली, भाई इसकी लिमिट उस केस में डज नॉट एग्जिस्ट होगी, नहीं होगी, हो जाएगी ना। तो इसलिए अपने पास जो यहाँ पे कॉट अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इस केस में -1 होना ही पड़ेगा, तभी इस फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इस डायरेक्शन में वो अपने पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा इज आंसर इज -1। सो ये है आपका सिंपल सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहा है, लेट्स सी। ओके सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो एग्जाम में। कभी भी अगर आपको फंक्शन गिवन है और पता करना है कि उस फंक्शन का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होने वाला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसके लिए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी इज डेल एफ एट पी मॉडुलस ऑफ, मतलब आप बेसिकली आप उस पॉइंट पर जो लेंथ है वो आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डेल एफ कैसे फाइंड करना है। तो डेल एफ आपके पास फंक्शन आपके पास गिवन है यहां पर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज साइन एक्स प्लस 2e की पावर वाई बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आपको डेल एफ फाइंड करना है तो ये आपके पास जो डेल है जो डेल होता है वो होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एफ। सो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो बेसिकली ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या होगा यहाँ पर इस केस में, कॉस एक्स हो जाएगा,
प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई इज टू ई की पावर वाई बाई टू, और फिर दोबारा वाई बाई टू का होगा तो वन बाई टू आ जाएगा आपके पास ये, और प्लस के तो ये आ जाएगा टू जेड। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो डेल एफ आ गया वो आ गया क्या इतना, आई कॉस एक्स प्लस जे ई की पावर वाई बाई टू प्लस के टू जेड, ये आ गया आपका डेल एफ। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट पर आपको इस फंक्शन का डेल एफ एट पी निकाल लीजिए, आप पहले इस पॉइंट पर आप पहले वैल्यू फाइंड कर लीजिए डेरिवेटिव की, तो आपके पास क्या हो जाएगी, और पॉइंट आपके पास क्या गिवन है, पॉइंट आपके पास गिवन है पाई बाय फोर जीरो वन, सो हियर पाई बाय फोर जीरो वन, तो बेसिकली आपके पास एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर, तो कॉस पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू, तो ये आपका हो गया आई बाय रूट टू, और प्लस वाई की वैल्यू जीरो तो प्लस जे कैप प्लस के की वैल्यू वन, सॉरी जेड की वैल्यू वन, तो ये आपका हो गया टू के कैप, राइट। तो आई बाई रूट टू प्लस जे प्लस टू के, ये आपके आ गया। अब आपको निकालना है इस फंक्शन का, इस वेक्टर का मॉडुलस, मतलब इस वेक्टर की आपको लेंथ निकालनी है, तो आपके पास क्या है, वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस टू का होल स्क्वायर, तो बेसिकली आपके पास कितना आ गया, वन बाय टू प्लस वन प्लस फोर, तो ये कितना आ गया, वन बाय वन प्लस टू प्लस एट अपॉन टू, सो ये आ गया अंडर रूट इलेवन अपॉन टू, राइट। तो ये इसका आंसर। अब बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिए और देखिए अपना क्या आंसर आ रहा है इसका थ्री पॉइंट तक। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन, और देखते हैं कोई अपने पास और कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ओके, तो अभी अपने पास और कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, तो अपना ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है 2015 का। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना 2015 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है सेवरल वेरिएबल सेक्शन का। तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी 2016 के ऊपर, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो समथिंग जो भी होगा वो 2.345 समथिंग ऐसा कुछ इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप एक काम कर सकते हो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप सिंपली सर्च कीजिए नॉक ए आर एजुकेशन, ये है हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर आपको सभी लिंक्स प्रोवाइड होती हैं यूट्यूब चैनल की। और अगर आपको डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए फिर आपको ज्वाइन करना होगा अन अकेडमी ए आर एजुकेशन वाले ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्कशन मिल जाएगा, डिस्कशन ग्रुप लिंक, और इस वाले में आप इस सेक्शन में मिलेगी आपको यूट्यूब की लिंक। ठीक है, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।